तो दोस्तों WhatsApp में भी एक धमाकेदार फीचर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों ये हाल फिलहाल में लॉन्च हो चुका था और मैंने आपको अभी तक बताया था, तो मैंने सोचा कि आपको तो बताना ही चाहिए फीचर, क्योंकि आप लोग इसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग फोटो भेजते हो एक दूसरे को, दोस्तों जो फोटो की क्वालिटी होती है, आप देख सकते हैं कैसे फोटो की क्वालिटी बहुत ख़राब आ रखी है। दोस्तों बिल्कुल पिक्सेलेटेड फोटो की क्वालिटी आ रही है। और दोस्तों जो WhatsApp क्या करता है, बेसिकली जब भी आप कोई फोटो भेजते हो, वो उसको एक तरीके से कंप्रेस करता है, ताकि वो फास्टेस्ट तरीके से और सबसे कम डाटा यूज करके एक फोटो भेज पाए। दोस्तों इसी केस में होता क्या है कि आपकी जो फोटो की क्वालिटी होती है वो बहुत बेकार हो जाती है। अगर वीडियो भेजें तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी भी बहुत बेकार हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको WhatsApp ने एक सेटिंग प्रोवाइड करी है आपके फोन के अंदर, जिससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि आपको किस टाइप का मीडिया अपने फोन के अंदर भेजना है, मतलब कि किस क्वालिटी का आपको मीडिया, जो जैसे कि फोटोज या वीडियोस, किस क्वालिटी की भेजना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं एक अच्छी बेटर वीडियो भेजना, या आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली WhatsApp डिसाइड करे कि किस टाइप की क्वालिटी जाए अगले बंदे के पास। तो दोस्तों इसी चीज के लिए मैंने सोचा कि आपको ये सेटिंग जरूर बताई जाए। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है बहुत ही सिंपल और सरल है, आप लोगों को बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा। और दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को भी इस जो ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग से आपको कोई फायदा हुआ या नहीं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको कि कैसे आप लोग इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस सेटिंग को यूज करने के लिए आपको जाना है WhatsApp के अंदर, और दोस्तों WhatsApp में जाके आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड डेटा का। दोस्तों बेसिकली ये जो सेटिंग है काफ़ी टाइम से आई हुई है, और दोस्तों इसके अंदर आप लोग मैनेज कर सकते हैं अपने स्टोरेज को, खासकर WhatsApp जो स्टोरेज यूज़ कर रहा है आपके फ़ोन की, उस स्टोरेज को। बट दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और सेटिंग भी आपको देखने मिलती है, फॉर एग्जांपल मीडिया ऑटो डाउनलोड की, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो या ना हो, बहुत पुरानी सेटिंग है, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट सेटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। दोस्तों ये जो सेटिंग है वो है मीडिया अपलोड क्वालिटी की। दोस्तों मीडिया अपलोड क्वालिटी भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि क्या कह रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी फोटोज आर लार्जर एंड कैन टेक लॉन्गर टू सेंड, विच मीन्स कि अगर मैं इसको ऑटो, जो कि रिकमेंडेड है WhatsApp के द्वारा, उसको यहाँ से हटा के मैं बेस्ट क्वालिटी पे क्लिक कर दूंगा, तो जो मेरी फोटोज होंगी वो बेस्ट क्वालिटी में तो जाएंगी, पर जाने में हो सकता है कुछ समय लगाएं। पर दोस्तों अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी की फोटो भेजनी है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी फोटो पे क्लिक कर देना चाहिए। और दोस्तों अब जो भी फोटोज आप सेंड करेंगे किसी को भी, वो दोस्तों बेस्ट क्वालिटी में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कोई भी फोटो सेंड करेंगे, तो दोस्तों वो जो फोटो होगी वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में सामने वाले बंदे के पास जाएगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग ट्रिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।